हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट्थ की सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज जो कि चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं सिमिलरली हम क्या करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में भी उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट वन बाई टू फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाई टू यू ऑब्टेन वन बाई एट फाइंड नंबर मतलब हमें नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी तरफ से कोई नंबर लेट करते हैं लेट द नंबर क्या लेट कर लिया हमने एक्स उसके बाद जो भी हमें स्टेटमेंट में जिस तरीके से बोला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट वन बाई टू फ्रॉम ए नंबर मतलब हमने नंबर एक्सलेक्ट किया है उसमें से वन बाय टू क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे और जो भी रिजल्ट बना है हमारे पास उसको वन बाय टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट कितना होगा वन बाई एट अब वन बाय टू जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में डिवाइड में होने का मतलब वन बाय टू की जगह हम क्या लिखेंगे टू बाय वन टू और एट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा फोर पे तो एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू कितना रह गया वन बाय फोर और माइनस का वन बाय टू इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का वन बाय टू तो मतलब अगर हम यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो एल्सियम लेने के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा थ्री बाय फोर तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द पेरी ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज वन फिफ्टी फोर मीटर मतलब कोई भी रेक्टेंगल की शेप का एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और उसका पैरीमीटर कितना दे रखा है वन फिफ्टी फोर मीटर इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रथ मतलब जो भी इसकी लेंथ है वो टू मीटर मोर देन टाइस इट्स ब्रेथ मतलब इसकी ब्रेथ की क्या है वो ट्वाइस है और उससे दो ज्यादा है वट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल हमें क्या बताना है उसमें स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है तो अब हम आंसर पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही गिवन नहीं है एक तरीके से हम एक चीज को अपने तरीके से क्या करेंगे अपनी तरफ से लेट करते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ पुल स्विमिंग पुल के हम ब्रेथ मान के चलते हैं क्या होगी एक्स तो लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ है वो टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब इसकी जो भी ब्रेथ है उसको अगर हम ट्वाइस करें मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें टू क्या कर दें ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी इसकी लेंथ और जैसा कि हमें पता ही है कि पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का पैरीमीटर होता है वो होता है टू इंटू एल प्लस बी मतलब टू इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ पैरिमीटर वन फिफ्टी फोर इक्वल टू टू एल कितना है लेंथ कितनी है टू एक्स प्लस में टू और ब्रेथ कितनी है एक्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टू एल की जगह वैल्यू पुट कर देंगे टू एक्स प्लस में टू और बी की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स अब हम इनको ऐड करेंगे टू एक्स प्लस में एक्स क्या हो गया थ्री एक्स प्लस में टू और जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो टू और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवनटी सेवन और प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का टू और इक्वल में कितना रह गया थ्री एक्स सेवनटी सेवन माइनस टू इज इक्वल टू कितना रह गया सेवेंटी फाइव इक्वल टू थ्री एक्स जो थ्री यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में और थ्री के टेबल में ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ट्वेंटी फाइव इसका मतलब ब्रेथ कितनी है इसकी ट्वेंटी फाइव मीटर एंड लेंथ कितनी बनेगी लेंथ क्या है टू एक्स प्लस में टू इक्ल में कितना हो जाएगा टू इन टू ट्वेंटी फाइव प्लस में टू तो कितना हो गया फिफ्टी टू मीटर तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रेंगल इज फोर बाय थ्री सेंटीमीटर कोई भी आइसोसेल ट्रेंगल है आइसोसेल ट्रेंगल क्या होती है जिसकी दो साइड क्या हो सेम हो आइसोसेल ट्रेंगल का बेस दिया हुआ है फोर बाय थ्री सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल इज फोर इंटू टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड है उनकी लेंथ बतानी है हम सबसे पहले वो जो साइड क्या करेंगे हम लेट करेंगे लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल हमने क्या लेट कर ली एक्स और बेस कितना है आईसो ट्रायंगल का फोर बाय थ्री सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है फोर इंटू टू बाय फोर इंटू टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का हमें पता ही है कि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स का सम करेंगे तो वही क्या बनेगा इसका पैरामीटर बनेगा पैरामीटर कितना है फोर इंटू टू बाई फिफ्टीन और साइड्स कितनी है दो साइड तो वह है जो सेम थी तो एक्स प्लस में एक्स और बेस कितना है फोर बाय थ्री सेंटीमीटर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिफ्टीन इंटू में फोर क्या होता है सिक्सटी प्लस में टू तो कितना हो गया सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन और एक्स और एक्स कितना हो गया टू एक्स प्लस में फोर बाय थ्री जो प्लस का फोर बाय थ्री है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का फोर बाय थ्री तो सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन माइनस फोर बाय थ्री इज इक्वल टू 2X. जब हम यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा इन दोनों का आ जाएगा 15. और 3 को 1 से करोगे तो सिक्सटी टू माइनस यहाँ पे फिफ्टीन है तो अल्सम लेने के बाद कितना रह गया फाइव फाइव इंटू फोर कितना हो गया ट्वेंटी तो यहाँ पे कितना आ गया ट्वेंटी और बाई में कितना हो गया इनका फिफ्टीन इक्वल में टू एक्स इसमें से जब ये माइनस करोगे सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी तो कितना आएगा फोर्टी टू बाय में फिफ्टीन इक्वल टू टू एक्स तो जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर वाली साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो फोर्टी टू बाय में फिफ्टीन इंटू में टू इक्वल टू एक्स और यहाँ पे जब कैंसिल करोगे टू वन जा

नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर इज नाइन्टी फाइव दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम कितना है नाइन्टी फाइव है इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय फिफ्टीन मतलब एक नंबर दूसरे से कितना एक्सीड कर रहा है एक्सीड का मतलब ज़्यादा कितना है फिफ्टीन तो वट आर द नंबर हमें नंबर बताने हैं कौन से हैं तो हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेट करते हैं लेट फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया एक्स और सेकेंड नंबर क्या होगा सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगा फिफ्टीन एक्सीड कर रहा है मतलब ज़्यादा है तो सेकेंड नंबर बनेगा एक्स प्लस में फिफ्टीन और दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है नाइन्टी फाइव तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोनों का हम क्या कर देंगे सम कर देंगे तो एक्स प्लस में एक्स प्लस में फिफ्टीन दोनों का जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा नाइन्टी फाइव जो कि गिवन है एक्स और एक्स कितना हो गया 2X टू एक्स प्लस में फिफ्टीन इक्वल टू नाइन्टी फाइव और टू एक्स जो प्लस का फिफ्टीन है वो इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन और नाइन्टी फाइव माइनस फिफ्टीन कितना हो जाएगा एट्टी और जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में और एट्टी कितने पे कैंसिल हो जाएगा फोर्टी पे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी तो मतलब हमने जो नंबर लेट किया था वो फर्स्ट नंबर क्या हो गया फोर्टी और सेकंड नंबर क्या बनेगा एक्स प्लस में फिफ्टीन मतलब फोर्टी प्लस में फिफ्टीन इक्वल टू फिफ्टी फाइव तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन में है कि टू नंबर्स आर इन रेशो फाइव रेशो थ्री दो नंबर ऐसे हैं जो रेशो के अंदर दिए हुए हैं फाइव रेशो थ्री इफ दे डिफर बाय एटीन अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो एटीन का है तो हमें क्या बताने हैं नंबर बताने हैं लेट फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया क्या बनेगा फाइव तो पहले से ही है लेकिन रेशो में है फाइव एक्स हो गया और सेकेंड नंबर क्या बनेगा थ्री के साथ हम क्या कर देंगे एक्स की मल्टीप्लाई तो सेकंड नंबर हो जाएगा थ्री एक्स और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है डिफरेंस कितना होगा एटीन तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा एटीन के इक्वल फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो गया टू एक्स इक्वल टू एटीन और जो यहाँ पे टू है वो डिवाइड में आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और टू एटीन के साथ जब कैंसिल करोगे तो कितना आ गया नाइन तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई नाइन तो फर्स्ट नंबर बनेगा फाइव एक्स मतलब फाइव इंटू में नाइन फाइव इंटू नाइन कितना हो गया फोर्टी फाइव और सेकंड नंबर क्या है थ्री एक्स थ्री इंटू में नाइन करोगे तो ट्वेंटी सेवन तो ये दोनों नंबर हो गए तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन तो आज बस इतना ही थैंक यू <laughs>